हेलो दोस्तों, मेरे नाम है बादल मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम ऐसे ठीके सीखने वाले हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को सीखने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आजकल का माहौल चल रहा है, जैसे कि नवरात्रि चल रही है तो इसमें खूब कीर्तन भजन होते हैं। अगर ये ठेके अगर आप लोगों ने नहीं सीखे तो फिर आपका काम नहीं बनने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ उठान, कुछ ठेके, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ठेके लेके आ चुका हूँ जिसे अगर आप बजाते हो तो प्रोग्राम के अंदर आप धूम मचा सकते हो। तो दोस्तों, वो ठेके क्या है जल्दी मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आप देख लीजिए, मेरे पास एक न्यू ढोलक आई है बनके। इसको मैंने अपने एक है, क्या नाम है, लक्ष्य जी है उनका नाम, उनके लिए मैंने तैयार करवाई है। वो बिहार से है, उनकी फोटो भी साइड में आपको नजर आ रही होगी। उन्होंने अपने लिए बनवाया था, बोला था कि मुझे प्योर शीशम की कच्चे पक्के में चाहिए। जैसे कि उन्होंने बोला था कि मुझे आपकी तरह दिखने वाली ढोलक चाहिए। देखिए, ये जो मेरी ढोलक दिख रही है ये भी कच्चे पक्के में है, लेकिन जो इसका पेट है, इसका पेट कितने का, 35 का पेट है, लेकिन सबसे बेस्ट पेट होता है 36 का। तो 36 का पेट मुझे मिल गया गलती से, तो मैंने बोला कि चलो भाई उनके लिए 36 का ही पेट ले लिया जाए। और चाटी का साइज मेरा 7.5 था, तो उनका भी 7.5 ही है और बेस का 9। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस टाइप की ढोलक बनवानी हो तो आप लोग बनवा सकते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में होता है। मैंने देखा कि इस टाइप की ढोलक बहुत ज़्यादा महंगी लोग बेचते हैं, उनसे तो बहुत कम में ही मैं बेच रहा हूँ। अगर आपको इस टाइप की ढोलक बनवानी है तो आप ले सकते हो। और दोस्तों, बात रही रेट की, वो आप मुझे व्हाट्सअप पे करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब अपने ठेके पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि का समय है तो माता रानी का गाने को ही लेके चलते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, ये गाना तो बजता ही बजता है। अगर आप माता रानी के कहीं भी प्रोग्राम करते हैं, माता की चौकी हुई, जागरण हो गया, ये गाना ना बजे ये हो ही नहीं सकता। तो पहली बात तो गाना तैयार हो जाएगा, दूसरी बात इसके अंदर जो फिलर ठेके बजेंगे वो जितने भी माता रानी के गाने होंगे उनके साथ बजा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सुना देता हूँ मैं आपको। आमा ये वाला गाना है, सीखना ही जरूरी है। ये डबल थपकी वाला भी है, सिंगल थपकी में भी, ये तो आना जरूरी है। ये ठेका नहीं है आप तो आप फास्ट नहीं कर सकते गाने को। मैं कभी भी गाना फास्ट करता हूं ना, जैसे मान लो कि चल रहा है, इसको थपकी पट 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 बजाते बजाते पूरा फास्ट कर देता हूं। तो इस ठेके की जरूरत आपको, अगर कभी भी फास्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादातर टाइम आप लास्ट में लगाना, क्योंकि जब लास्ट में खत्म होने वाला होता है ना तो लास्ट में स्पीड बढ़ती है। तो आप लोग को भी स्पीड बढ़ानी है तो आराम से स्पीड बढ़ाइए और बजा के उसको एंड कर दीजिए। अगर आप इसको बीच में लगा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, और क्या पता आपको फास्ट वाला ठेका ना आता हो, जैसे धिट धीना ये वाला, ये ठेका नहीं आता आपको तो फंस जाओगे आप बहुत बुरी तरीके से। तो दोस्तों, ये धिट धीना वाला भी कैसे बजाना है और जल्दी कैसे सीखना है समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी उठान पे बढ़ते, क्या बोले, ये वाला ठेका भी डबल भी है, वो भी सिखा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले उठान पे एक एक करके सिखाएंगे, जल्दी से वीडियो स्किप नहीं करना, पहले इसको सीखे फिर सबको सीखे। ठीक है, क्या बोला, समझ गया, बोल लिखा हुआ मिल गया, धा धा धीर धिनता, धीर धिनता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले धाधा समझिए, धाधा में कैसे बजाओ, इधर थपकी ले रहा हूं, इधर बेस ले रहा हूं, आप चाहो तो ता भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन थपकी सबसे बेस्ट रहता है। धा 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 धिनता, ठीक है, सबसे दो बार धा है, धा धा बजा लोगे, ये घिस्सा लेना है, कैसे लेना है, धा मारा इसको ले जाके स्लाइड कर दिया, ये जो ये वाला भाग है ना जो आपका, ये जहां से कोई सा भी भाग चुन लीजिए, ये वाला बीच वाला भाग ले लीजिए, चाहिए थोड़ा सा आगे की तरफ, अगर ये अंगूठे की साइड वाला भाग लोगे ना तो आसान होता है थोड़ा सा। देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे जाके लगता है, देखिए मैं दिखा देता हूं, ऐसे ऐसे स्लाइड होता है, पहले मारोगे फिर स्लाइड करोगे, धा धा, फिर उसके बाद यहां पे क बजेगा और यहां पे ता, धा धा ता, फिर उसके बाद धी र, धिन, ये बोल है। अब थोड़ा सा तेज, ये बहुत समझ रहे, कैसे, धा धा धा, एक बार और समझ लो, लास्ट बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे, धा
एक बार इधर से देखो, फिर उसके बाद धी र धिन ता। ये धी र धिन ता बहुत फास्ट करना है आप लोग को, ठीक है? अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ठेके के ऊपर। तो दोस्तों हमारा अगला ठेका है फास्ट कर सकते हो। देखिए जो इसके ढोलक पे जो मैंने चमड़ी लगाई ना इसमें भी फर्क पड़ता है। अब देखो आपकी चमड़ी अगर पतली होगी तो उसे ये थप्पी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आ सकती। मैंने एक्सपीरियंस किया, जब मेरे पे पहली पुरानी वाली ढोलक थी जो कि 1200 वाली ढोलक थी, तो उस पे चमड़ी पतली थी, लो क्वालिटी था, लकड़ी भी बेकार थी, तो थपकी में कितना भी बजाता था ना थपकी की आवाज़ आती नहीं थी अच्छे तरीके से। मेरी पुरानी वीडियो जाके देखना, उस ढोलक पे थपकी कितनी गंदी बजती है और इस ढोलक पे कितनी अच्छी बजती है, पूरी इसमें पट पट आवाज आती है क्योंकि चमड़ी मोटी है और खाल को बहुत बढ़िया से इसको पॉलिश करके इसको लगाया गया है। तो ठीक है दोस्तों अब ठेके पर बढ़ते हैं। क्या बोल है? उठान के साथ इसको जोड़ के जो मैंने जो बीच के अंदर जो लगता है ना वो सबसे देखना जरूरी है। कैसे? फिर उसके बाद ऐसे बना, कभी कोई सा भी उठान हो, कोई सा भी उठान हो, जैसे डबल थपकी लेने के बाद ही गे तीना कदीना, ये वाला ठेका का बोल है। बोल तो ये है, लेकिन जब कोई भी उठान लगाने के बाद, कोई भी तोड़ा लगाने के बाद जब ठेके को स्टार्ट करोगे इसी वाले ठेके को, फिर क्या करना है? ये करना है, थप्पी को दो बार बजा देना, फिर ठेका नॉर्मल चलेगा। कैसे? बोल लिखा है धी तीना, फिर क धीना, फिर इतना तो एक बार बजाना है, फिर जो दूसरी बार जो लिखा हुआ है उसको कंटिन्यूस बजाना है। गे तीना कधीना, गे तीना कधीना, बोल लिखा हुआ है कुल मिला के धी तीना कधीना, फिर गे तीना कधीना, ये लिखा हुआ है बोल, ठीक है? अब इसको कैसे बजाओगे? इसके अंदर एक और ट्रिक भी है, वो मैं समझाता हूँ। क्या बोल है? धी, देखिए कैसे बजाना है, बेस इधर नॉर्मल खुला बज रहा है, धी तीना कधीना, गे तीना कधीना, गे तीना कधीना, ये चल रहा है। एक बार और समझ लो, धी तीना क धी ना, एक बार और देखो, धी ती ना क धी ना, इतना तो एक बार बजाना है और फाकी जो उसके बाद जो लिखा हुआ उसको कंटिन्यूस बजाना है। गे ती ना क धी ना, गे ती ना, ऐसे, फिर गे ती ना क धी ना, गे ती ना क धी ना, गे ती ना क धी ना, ठीक है? समझ गए होंगे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अब देखिए इसका अगला ठेका क्या बनता है। देखिए अगला ठेका बनता है जो मैंने अभी आपको लिखा हुआ मिल रहा है ना, जो आपको धी तीना कधीना गे तीना कधीना लिखा हुआ, धी तीना कधीना गे तीना कधीना धी तीना कधीना, इसको रिपीट भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया ठेका बनेगा। क्या बनेगा? शुरुआत में बताया था, कलाकारी दिखाने के लिए बजा सकते हो, रिपीट कर देना जो मैंने अभी सिखाया, उसको फुल टू फुल रिपीट कर दीजिए। इसके बाद एक और बहुत ज्यादा ठेका है जो कि चर्चा में आया, मैंने बहुत लोग को सुना है बजाते, जो कि थोड़ा सा कठिन होता है, वो अभी देखिए मैं बता देता हूं कैसे बजाना है, उस चीज को मैं सुनाता हूं आपको। इसी का भाग है, कैसे सुनाता हूं आपको? किसी ने भी नहीं सिखाया, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ठीक है? इस चीज को बजा सकते हो आप। क्या बोल है? धी तीना ती ग तीना, धी तीना ती ग तीना, बोल कैसे है? लिख गया होगा कैसे बजाना है, धी या थपकी लगेगा, यहां पे बेस लगेगा बीच वाला, धी तीना ती ग धी ना, ये बोले। एक बार और देखो, धी तीना ती ग धी ना, लास्ट टाइम और देख लो बेस साइड से, इधर तो आप जानते हो बहुत पसीना आ रहा, गर्मी का दिन आ ही गया है, धी ती
ना, फिर उसके बाद टी ग धी ना, ये चला है। अभी आप नॉर्म बेस को हल्का ही लेके चलिए, पूरा भरावट वाला बेस लेके चलेंगे तो अभी आपको मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये ठेका थोड़ा सा कठिन होता है। धी ती, अगर जिनको आता है वो भुड़का ले सकते हैं। धी ती ना ती ग धी ना ती ती ना ती ग धी ना ती ती ना ती ग धी ना। ठीक है, स्लो स्लो प्रैक्टिस करना, एकदम से फास्ट मत कीजिएगा नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बजने वाला है ठेका। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई, एक उठान सिखाया, एक ठेका सिखाया, फिर उसके अंदर की जो भी वेरिएशंस हो सकती है वो मैंने आप लोग को अच्छे से सिखाई। और ये ठेके जागरण के अंदर बहुत ज्यादा बजाए जाते हैं। इसको अगर अकेला आप गे तीना कह दें बजाते रह जाएंगे ना तब भी इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत बढ़िया बजा सकते हो, प्रोग्राम बहुत बढ़िया जाएगा आप लोग का। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। और इस टाइप की आप लोग को ढोलक चाहिए, अगर आप डिमांड कर सकते हो आप, जैसे कि आपको पूरा पक्का चाहिए या फिर कच्चा पक्का चाहिए। अब देखो दिखने में सुंदर तो कच्चा पक्का लगता है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कलर की वैरायटी होती है। अगर पूरा कच्चा ले लो या फिर पूरा पक्का ले लो तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता, भले बजने में अच्छा हो। और देखिए दोस्तों, मैं ढोलक के लिए एक फुल वीडियो भी लेके आने वाला हूँ कि ढोलक कैसी लेनी चाहिए, उसके लिए आप इंतजार कीजिएगा। और ये जो मेरे पास ढोलक पड़ी है, इससे बेस्ट साइज आपको कहीं नहीं मिल सकता। कहीं पे भी आप ढूंढने जाएंगे तो पेट 36 तो मिलता ही नहीं है, पहली बार 34 मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा, 36 नहीं मिलता है। मैंने जब मैं लकड़ी वाले से मैं बात करता हूँ तो लोग 36, अगर मेरे को सेट मंगाना होता है, जैसे 8-9 सेट मंगाता हूँ मैं लकड़ियों की, तो उनमें से 2 या 3 ही मुझे 36 का पेट देते हैं और उनमें से एक 36 का पेट मुझे मिलता है, तो उनको मैं भेज रहा हूँ। अगर आप डिमांड करते हो 36 वाले पेट के लिए, थोड़े से पैसे आपको ज़्यादा लगेंगे क्योंकि मैं डिमांड करूँगा उधर, तो वो लोग भी पैसे मुझसे ज़्यादा मांगेंगे तो वो पैसे आपको देने होंगे, अगर आप बेस्ट साइज चाहते हो तो। ठीक है, तो ये साइज में बिल्कुल बेस्ट है आपका और बजेगी बहुत बढ़िया आपकी ढोलक। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।